चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आज से चिकित्सकों का आंदोलन शुरू हो गया है। काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं चिकित्सक, 3 मई से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश के 10,000 चिकित्सक आंदोलन में शामिल होंगे। संविदा और ब्रांडेड चिकित्सक भी आंदोलन में शामिल होंगे। 3 मई से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में आज से चिकित्सकों का आंदोलन शुरू हो गया है। काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं चिकित्सक। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, वैसे ही मध्य प्रदेश की अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो उसकी जो असलियत है वो किसी से छुपी नहीं है। किस तरह के हालात हैं वो किसी से नहीं छुपे हैं, और ऐसे में चिकित्सक जो हैं उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और काली पट्टी बांधकर अब काम कर रहे हैं चिकित्सक। बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाएं वैसे ही बदहाल है, और फिर जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है उससे वायरल इन्फेक्शन के जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, और सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से लगातार मरीज पहुंचते हैं और क्या उनके साथ स्थिति होती है किसी से छुपा नहीं, और ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने नियमितीकरण के साथ ही अन्य जो उनकी छह सूत्रीय मांगे हैं उसे लेकर आंदोलन की राह पर है। आज ये सभी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं और 3 मई से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर देंगे। इससे पहले सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, और एक और चीज है, हमने जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव नजदीक आते हैं, तो चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी या अन्य कोई कर्मचारी संगठन हो, वो दबाव की राजनीति बनाकर काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार पर दबाव है तो सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देगी। हालांकि उनसे कई दौर की बातचीत हो चुकी है, बातचीत बे नतीजा निकली है। यही कारण है कि ये आज काली पट्टी बांधकर काम कर रही है, 3 मई से निष्कर्ष हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि निरा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को जाने से रोक लिया जाए ताकि मध्य प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं और ज्यादा बदहाल ना हो। बिल्कुल वैभव, सरकार के तमाम प्रयास हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ना चरमराए, लेकिन जिस तरह से अब ऐलान कर दिया गया है अनिश्चित हड़ताल का 3 मई से, और ऐसे में जिस तरह मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, कोरोना के जो मरीज है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है, और जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में सरकार के सामने कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, सरकार के सामने ये बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल है कहीं ना कहीं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए और ये मरीजों को परेशानी ना हो उसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये नियमित नहीं होते हैं, लेकिन काम पूरा नियमित जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के समान करते हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने काली पट्टी बांध के रास्ते काम करने की शुरुआत कर दी है। 3 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे, तो वैसे ही स्वास्थ्य महकमे में जो क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी वैसे भी कमी होते हैं, और ऐसे में अगर ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो और ज्यादा जो मुश्किलें हैं सरकार के साथ मरीजों की बढ़ जाएगी, क्योंकि तो मरीज जो इलाज कराने पहुंचेगा उसे डॉक्टर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स के अलावा जैसे कि अगर आपको जांच करानी पड़ती है, दवाई के लिए परेशान होना पड़ता है, तो और पट्टी बांधनी होती है, तो ऐसे कामों के लिए जो आपको वहां पर प्रशिक्षित कर्मचारी ही नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ ज्यादा परेशानी मरीजों के लिए है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी, तो कहीं ना कहीं जो मरीजों की परेशानी है वो बढ़ेगी, क्योंकि सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पहुंच जाएंगे चिकित्सक, और जिस तरह से सभी शासकीय चिकित्सक अपने हाथ पर काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, JP, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, GMC के डॉक्टर, संविदा पर कार्यरत चिकित्सक और बांडेड चिकित्सक शामिल हैं। इसके बाद 3 मई से यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी।